स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से। हमें निकालना है लैपलास ऑफ ई टू द पावर 4t मल्टीप्लाइड बाय साइन 2t कॉस t। अब देखो ये हमारा एक प्रोडक्ट है फंक्शन का और ये मल्टीप्लाइड है ई टू द पावर 4t से। तो अगर हमें ये देख लिया कि ई टू द पावर 4t से मल्टीप्लाइड है तो हम इसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से निकाल सकते हैं, पर हमें उसका पहले लैपलेस इसका पता होना चाहिए। तो इसलिए हम सेफर साइड के लिए पहले लैपलेस ऑफ साइन 2t कॉस टी निकाल लेते हैं। अब ऐसा तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं इसका, तो हमें इसको पहले सम ऑफ साइंस के या सम ऑफ कोसाइंस में स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ये साइन ए कॉस बी, तो इसमें क्या करेंगे हम, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हाफ ऑफ लैपलास ऑफ 2 sin 2t कॉस टी। तो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ लैपलास ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ऑफ 2t+t प्लस साइन 2t-t यानी कि ये हो गया हमारा हाफ ऑफ लैपलास ऑफ साइन 3t प्लस साइन टी। अब इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाफ तो जैसे बाहर आई 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 जाएगा। अब लैपलेस इसका निकालना है, साइन 3t का क्या होगा, 3/s² + 9 प्लस साइन टी का हमारा लैपलेस होगा 1/s² + 1। अब इसको आगे एलसीएम लेके हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, हाफ ऑफ s² + 1 प्लस s² + 9। तो ये हमारा आगे जाके हो जाएगा s² + 9, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम में, ये हो गया हमारा हाफ ऑफ 3s² + 3 यानी 4s² + 3 + 9 यानी 12 यानी s² + 9 s² + 1। ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ हाफ से 2 कॉमन लेके 2s² + 6/s² + 9 s² + 1 ये हो गया 2s² + 6 s² + 9 s² + 1। लेकिन हमें निकालना तो इसका नहीं था, हमें निकालना तो इसका था। तो अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लैपलास ऑफ ई टू द पावर 4t साइन 2t कॉस टी। तो इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंपेयर करें तो ये फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो भी हमारा लैपलेस इसका आया है वहां पे एस चेंजेस टू s-4 कर देंगे क्योंकि a की वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो लैपलास इसका क्या बना हमारा, 4t sin 2t cos t इज इक्वल टू 2 into s-4 whole square + 6/s-4 whole square + 9 s-4 whole square + 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। बाकी इसको आप सिंप्लीफाई और आगे कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको।